अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। ये झुमका देखकर मुझे समझ में आया कि आप चाहे मुझसे कितना भी नाराज हो जाएं, आपके दिल में मेरे लिए फिक्र है। ये मम्मी की निशानी थी दादी, और आपने इसे ढूंढ ही लिया। ये अभी आपके बैग से गिरा। इतने दिन से मैं इस झुमके के लिए परेशान थी, आपको मिल ही गया। दादी, ये डब्बा तो आपको नाहर जी की मम्मी ने दिया था ना, ये झुमका उनके पास था क्या? हाँ, वही से मिला है मुझे। लेकिन लाओ ये झुमका मुझे दो, मैं अपने पास रखूंगी, वरना तुम फिर से खो दोगी इसे। लाओ। नहीं दादी, प्लीज, इस बार मैं इसे बहुत संभाल के रखूंगी। आई प्रॉमिस दादी, इस बार मैं इसे अपने आप से अलग नहीं होने दूंगी। हाँ बेटा, इस झुमके को अपने पास ही रखो, रुचिता की निशानी है, लेकिन ध्यान से। अगर इस बार तूने झुमका खोया ना, तो दादी से पहले ना मैं तेरी क्लास लूंगी, समझी? नहीं, इस बार मैं इसे नहीं खोऊंगी। कल को ये झुमका फिर से रूही ने पहन लिया दाहर के सामने, तो बेरे के किए कराए पर बाधी फिर जाएगा। अब क्या करूं? रतन जी रुकिए, ये क्या कर रहे हैं आप? आराम से बैठिए, आराम से। तारी, ये लीजिए। आप जानते हैं ना, आपको डॉक्टर ने डिस्चार्ज कर दिया, इसका ये मतलब नहीं है कि आप ठीक है। आपको अभी भी आराम की जरूरत है। आपको किसी भी चीज की जरूरत हो ना, आप मुझसे कहिए। डॉक्टर ने आपको स्ट्रेस लेने के लिए बिल्कुल मना किया है, और आपको स्ट्रेस लेने की वजह से ये सब कुछ हुआ है। कैसे स्ट्रेस ना लूं सोने जी? नाहर की चिंता मुझे चिता की तरह अंदर से जलाए जा रही है, और जब तक नाहर की शादी नहीं हो जाती, तब तक यह स्ट्रेस जाने वाला नहीं है। पता नहीं इस सेहत के साथ मैं कब तक रहूंगा, लेकिन अपने जीते जी मैं नाहर को ऐसे नहीं देख सकता। देख तो मैं भी नहीं सकती, लेकिन हम कर भी क्या सकते? नाहर को किसी भी चीज के लिए फोर्स भी तो नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी आप कह रहे, तो हम एक बार नाहर से अच्छे से बात करेंगे इस बारे में। मैंने तो पहले उम्मीद बिल्कुल ही छोड़ दी थी, लेकिन अब जाकर उम्मीद की फिर से एक नई किरण नजर आई है, और इसे मैं कभी अपने हाथ से नहीं जाने दूंगी। भैया भाभी, ये गिफ्ट आपके लिए, आपकी वेडिंग गिफ्ट। ये हमारे लिए? अभी खोल दे। अरे वाह, बहुत प्यारा है। अब भाभी इतनी प्यारी है तो गिफ्ट भी तो प्यारी चाहिए थी ना। थैंक यू रूही, गिफ्ट बहुत ही सुंदर और प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारी तरह। भगवान करे आप दोनों की जोड़ी ऐसी ही प्यारी सी बनी रहे। भगवान करे आपको भी कोई अच्छा सा जीवन साथी मिले। वैसे आज हम जहाँ पे पूजा में गए थे, वहाँ पे उनका बेटा काफी हैंडसम है ना, मतलब एकदम हीरो टाइप। भाभी आप ही ना। अगर तुम ननद भाभी की गुटरगू खत्म हो गई हो तो पलक बहू, ये कुछ गंदे कपड़े, इन्हें अच्छे से धोकर साफ कर दो।
हाँ हाँ जी जी दादी जी। और रूही तुम, खाना बनाने का समय हो गया, भूख के मारे जान निकल रही, अब हम सबको खाना खिलाओगी या फिर पेंटिंग बना बना कर हम सबका पेट भी भरोगी? जी दादी मैं अभी करती हूँ। किसी काम की नहीं है। डार्लिंग। जी डार्लिंग। आपने मुझे बोला था ना कि आप मेरा हमेशा साथ दोगे। हाँ हाँ क्यों नहीं, हमेशा दूंगा तुम्हारा साथ। हाँ तो क्या प्लीज मेरी कपड़े धोने में मदद करोगे? मुझे कपड़े धोना नहीं आते, मैंने कभी नहीं धोए। मैं तो भूल ही गया कि मुझे ऑफिस की मीटिंग में जाना है, बहुत अर्जेंट है। अरे तुम ये संभालो, मैं खत्म। अरे रुको, अरे सुनो तो। अरे देखा रूही दीदी आपने, ये लव मैरिज हो या अरेंज मैरिज, पति ना सब एक जैसे ही होते हैं, बिल्कुल निकम्मे। वैसे रूही दीदी, आई होप कि आपको ऐसा पति मिले जो आपका साथ दे, आपके दुखों को बांट ले और खुशियां दुगनी कर दे। और पता नहीं मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपको वो बहुत जल्द मिलने वाला है। आराम से। दादी बाजी अपने बैग के साथ क्या हुआ, कहीं जा रही हैं क्या? मम्मी पापा भैया पापा आप देखो ना, हमने इतना समझाया पर एक जिद पकड़ के बैठ गई है, सुन ही नहीं रही। अब आप लोगों को समझाइए। देखिए ना मम्मी, ये दादियां की मान ही नहीं रही है, आप भी थोड़ा समझा लो इन्हें, अब प्लीज मान जाओ। मैं द्वारिकाधीश दर्शन करने जा रही हूँ, ये घर में जो कुछ भी हुआ है ना उससे मेरा मन बड़ा विचलित हो गया है। कुछ दिन भगवान के शरण में रहूंगी तो मेरा मन शांत हो जाएगा और घर में भी सुख शांति आएगी, इसीलिए मुझे कोई नहीं रोकेगा, समझे? लेकिन माजी, लेकिन लेकिन कुछ नहीं, कहा ना कोई नहीं रोकेगा। पिछली बार भी तुमने रोक दिया था मुझे, मैं नहीं जा पाई, ये सब शायद इसीलिए हुआ। दादी वहां ना बहुत गर्मी होती है, आपको सनबर्न हो गया तो आप एक काम करो, सर्दियों तक रुक जाओ ना, तब चले जाना। मेरी गुड़िया, मैंने अपनी सनस्क्रीन ले ली है, तू मेरी चिंता मत कर। और वैसे भी भगवान ने मुझे रंग इतना गोरा दिया है कि चाहे जितनी भी धूप हो मैं काली नहीं पड़ने वाली। अब तो बस मैं अपने बच्चों के लिए प्रार्थना करके ही लौटूंगी। दादी चलिए, आपको मैं छोड़ाता हूँ। ना मैं चली जाऊंगी। लेकिन माँ, मैं अभी बुढ़ी नहीं हुई, पिता तो तेरा बाप हो गया है, उसे तेरे सहारे और सेवा की जरूरत है। अभी तो मैं जवान हूँ, दौड़ भाग कर सकती हूँ, करना क्या है, यहाँ से टैक्सी में बैठकर जाना है, फिर ट्रेन पकड़नी है। मैं चली जाऊंगी, तू मेरी फिक्र मत कर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे कैसे आप मेरे होते हुए अकेली चली जाएंगी? कहीं आपके पैर में छाले पड़ गए तो? मैं आपको अच्छे से ट्रेन में बिठा के आऊंगा, इससे पहले आपका मन बदल जाए। अरे नहीं नहीं, आप रहने दीजिए, आप इस घर के जमाई, समर छोड़ाएगा। सासू माँ, जमाई नहीं, मैं इस घर का बेटा हूँ। और हाँ बहू, याद रखना मैं सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए जा रही हूँ, मेरे जाने के बाद अपने आप को मालकिन मत समझने लग जाना, मेरे पीछे से घर का एक भी पत्ता नहीं हिलना चाहिए, समझी? माँ जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, आपके आने तक सब कुछ वैसे का वैसा ही रहेगा जैसा आप छोड़कर जा रही हैं। पलक कुछ ज्यादा ही रूही की चहेती बन रही है, इस दो कौड़ी की रूही को उस नहार से जोड़ रही है। इसको और रूही को तो मैंने काम करवा करवा के नौकरानी न बना दिया तो कहना, बढ़िया है जोड़ी बनाने वाली। हे भगवान, सारे कपड़े मिट्टी में गिर गए, अब मुझे फिर से धोने पड़ेंगे। मम्मी ये क्या हो गया भाभी, ये कैसे हुआ भाभी? पता नहीं ये रस्सी कैसे टूट गई, अब मुझे सारे कपड़े फिर से धोने पड़ेंगे, वरना तो दादी जी मुझे सुना सुना कर मेरी जान ही ले लेंगी। कोई बात नहीं भाभी, हम आपकी मदद कर देंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, रूही कर देगी ना आपकी मदद। चूही सिर्फ मैं नहीं,
तू भी मदद करेगी। ये तेरी भी भाभी है ना? पर इतने सारे कपड़े, नहीं 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 मैं नहीं कर सकती, मेरे हाथों में दर्द हो जाएगा और मैंने अभी भी मैनीक्योर भी करवाया, मेरे नेल्स खराब हो जाएंगे। I'm sorry. एक तरीका है, ढेर सारा प्यार हो, हर दिन एक त्योहार हो, जिंदगी की धूप में खुशियों की बहार हो, नए रिश्तों का सफर, लंबी लंबी सी नगर। ये रूही की बच्ची हर जगह टांग अड़ाती है, कभी पानी तो कभी साबुन फेर देती है मेरे प्लान पे। खाटू जी करे जल्दी से कोई आए और इसे विदा करा के ले जाए, तब जाकर कहीं कलेजे को ठंडक मिलेगी मेरे। गुण से हो भरा मंजर, दिल से देखो तो जाना कितना है मन सुंदर, दिल से देखो तो जाना कितना है मन सुंदर। देखिए मन सुंदर सोमवार से रविवार रात 8:30 बजे दंगल प्ले ऐप पर।